हेलो फ्रेंड्स, तो सुमी क्रिएटिव वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ ये सिंपल सा और बहुत ही प्यारा सा मेकअप लुक। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको कैसे किया है वो आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं मेकअप। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फेस वॉश कर लेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे टोनर, और टोनर के बाद में हम लगाते हैं यहाँ पे मॉइस्चराइजर के लिए एलोवेरा जेल। मैं एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ। आप उसके बाद में इसमें प्राइमर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। मैं एलोवेरा जेल के बाद सीधा ही प्राइमर अलग से नहीं लगाती। आप इसके बाद मॉइस्चराइजर वगैरह लगाने के बाद आप प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं सीधा कंसीलिंग कर रही हूँ और ऑरेंज कलर करेक्टर से मैं इसको करेक्ट कर रही हूँ। और जहाँ जहाँ पे आपको ब्लैक ब्लैक लग रहा है, डार्क सर्कल दिख रहा है, वहाँ वहाँ आप इसे कर सकते हैं। इसे अच्छी तरीके से ये जो कालापन है वो हाइड हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसे यूज़ कर लीजिएगा। इसको मैं फिंगर से ही अच्छी तरीके से इसके बाद पारी आती है कंसीलर की। अब हम इसको अच्छे से कंसील कर लेंगे। तो आई वाले एरिया में इस तरीके से जो भी आपके पास कंसीलर हो उसे आप कंसील कर लीजिएगा। इसे क्या है, आई शेडो जो हम यूज़ करते हैं बहुत अच्छे से उभर कर आता है। तो इस तरीके से आप इसे लगा लीजिए। मैं ज़्यादातर फिंगर का यूज़ करती हूँ, आप ब्रश वगैरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद सिंपली हम इसे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर देंगे और ये इजीली ब्लेंड हो जाता है। तो फ्रेंड देखिए, इसे ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है। जितने अच्छे से ब्लेंड होगा उतने अच्छे से मेकअप निखर कर आएगा। तो हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। अभी ब्लेंडिंग हो गया, इसके बाद हम इसमें कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लेंगे। मैंने यहाँ पे कॉम्पैक्ट यूज़ कर लिया है। आप भी कोई सा भी लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट वगैरह यूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे NY का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। आप जो भी यूज़ करना चाहे कर सकते हैं। मैं इसे बहुत ही थोड़ा थोड़ा डॉट डॉट कर पूरा स्किन में अपने फेस में लगा लूँगी। तो इस तरीके से मैं डॉट डॉट कर ही लगाती हूँ। इससे ब्लेंडिंग करने में मदद मिलती है, बहुत अच्छे से जल्दी से ब्लेंड हो जाता है। तो इस तरीके से मैं ब्लेंड करती हूँ। और ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करने से इसका जो इफ़ेक्ट है बहुत ही नेचुरल सा आता है। तो मुझे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना अच्छा लगता है। तो इस तरीके से हम नेक को, पूरे फेस को और दोनों कान को भी कवर कर लेंगे ताकि ये अलग से ना लगे। इसके बाद हम कॉम्पैक्ट से फिक्स कर लेंगे, कॉम्पैक्ट से, ताकि अच्छी तरीके से हमारा जो बेस है वो सेट हो जाए। और फ्रेंड्स, ब्लेंडिंग के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। जितना अच्छे से आप ब्लेंड करोगे उतना ही अच्छे से आपका बेस जो है तैयार हो जाएगा। अब उसके बाद में आ जाएगी आईब्रो की पारी। तो हम इस तरीके से जो जेल वाला आईब्रो फिलर है उससे हम ब्राउन कलर वाला ब्राउन कलर से ही मैं आईब्रो फिल कर रही हूँ। तो इस तरीके से हम आईब्रो फिल कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने वीडियो थोड़ा सा फास्ट कर दिया है ताकि वीडियो का जो लेंथ है ज़्यादा लंबा ना हो जाए। उसके बाद आ जाता है पारी आई शेडो पैलेट का। तो मैं आपके पास जो सा भी आई शेडो पैलेट है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें से मैंने सिंपली ब्राउन कलर ले लिया है और मैं एकदम हेवी सा आई लुक नहीं दूंगी, सिंपल सा रहेगा। फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं ब्राउन कलर का आई शेडो दोनों में लगा लेती हूँ। मैंने फास्ट कर दिया इसलिए आपको फास्ट लग रहा है, लेकिन इसको भी आपको धीरे धीरे ही ब्लेंड करना है और अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे गोल्डन कलर का सीमर ले लूँगी इसी आई पैलेट से, और इसे मैं फिंगर से लगा रही हूँ। फिंगर से मुझे अच्छा लगता है लगाना, आप चाहें तो ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं हम हाईलाइटिंग एरिया को, इससे आँखें जो है अच्छे से उभर कर आएगी। इसके बाद मैं जो सीमर आता है आई सीमर वो यूज़ कर लेंगे। तो गोल्डन कलर का जो ग्लिटर है वो हल्का हल्का मैं यूज़ कर लेती हूँ। मैंने इसमें बिल्कुल हल्का हल्का ही ग्लिटर यूज़ किया है। फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा ग्लिटर नहीं ले रही हूँ, आप देख ही सकते हैं। और आई मेकअप जो है मेरा इतने में फिनिश हो जाता है। इसके बाद मैं हाइलाइटर यूज़ कर लेती हूँ। इसमें ब्लश और हाइलाइटर सब ऐड है, तो आप इसमें से आराम से हाइलाइटर वगैरह यूज़ एक ही चीज़ से आप दोनों चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके का आप पैलेट ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ही ब्लश कर रही हूँ। ब्लश करने के बाद अब मैं हाईलाइट कर रही हूँ हाईलाइटिंग एरिया को, और हाईलाइट करने के बाद में जिस फेस में है एक अलग सा ग्लो आ जाता है, चमक आ जाती है, इसलिए हम हाईलाइटिंग करते हैं। तो
आप हाइलाइटिंग एरिया में हल्का हल्का इस तरीके से हाईलाइट कर लीजिएगा। उसके बाद पारी आ जाती है काजल की और मैं सिंपल से अब काजल ही लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स जो है हमारा आज का मेकअप है पूरा रेडी हो गया है। कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताना। और ये मैंने झुमके वगैरह पहन लिए हैं और ये है मेरा फाइनल लुक। तो आपको कैसा लगा कमेंट कर बताना ना भूलना। बाय बाय।